नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। द कश्मीर फाइल्स पर विवाद का एक ऐसा पक्ष इस एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे जो शायद आप भी आज तक नहीं जानते थे। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें, क्योंकि चुनाव हार गए लेकिन उत्तराखंड जीत गए पुष्कर सिंह धामी। जी हां, पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री फिर से होंगे, इस बात का ऐलान वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ही देर पहले किया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है और बाहर आकर राजनाथ सिंह ने यह ऐलान किया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। आइए आपको सुना देते हैं, दोबारा सीएम बन रहे धामी। सर, आप लगातार धामी को धाकड़ के रूप में देखते रहे हैं, आपने तमाम रैलियों में कहा है, आपको लगता है कि अब जो विकास की गति है उत्तराखंड में? मैं उत्तराधामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय जहां तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहां पर पुष्कर धामी ने 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को।